आपने ये तो जरूर ही सुना होगा कि महादेव जब अपनी तीसरी आँख खोलते हैं तो सामने वाला जलकर भस्म हो जाता है। आइए दोस्तों, आज मैं आपको ले कर चल रहा हूँ उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में एक ऐसे विख्यात स्थान पर जिसको कामेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। कामेश्वर धाम उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के कारो ग्राम में स्थित है। बलिया से मात्र 23 किलोमीटर दूर इस पवित्र स्थान की एक अलग ही मान्यता है। इस धाम के बारे में कहा जाता है कि शिव पुराण और वाल्मीकि पुराण में वर्णित वही जगह है जहां भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था। उस समय एक वहां पर आम का वृक्ष था जिसके पीछे कामदेव छुपकर पुष्प बाण चलाए थे। और जैसे ही भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली, देवताओं के सेनापति कामदेव जलकर भस्म हो गए, साथ ही वह आम का वृक्ष भी आधा से ज्यादा जल गया और वह पेड़ आज भी यहाँ पे विराजमान है, वो भी जिंदा अवस्था में। आप लोग देख सकते हैं यह पेड़ आधा जला हुआ है और खोखला हो गया है। ऐसा कहा जाता है कि यह पेड़ उसी समय का है और आज भी जिंदा अवस्था में है। कामेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध यह जगह हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। सावन के महीने में यहाँ पर मेला भी लगता है और इस मंदिर में आने के बाद एक अलग ही शांति महसूस होती है। मंदिर का प्रांगण काफ़ी स्वच्छ और सुंदर है, आप कभी भी यहाँ दर्शन के लिए आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको मंदिर के अंदर लेकर चलते हैं। जैसे ही आप मंदिर के प्रवेश द्वार से अंदर पहुंचते हैं तो आपको इस मंदिर की खूबसूरती देखने को मिलती है। प्रवेश द्वार से अंदर आते ही आपको एक मंदिर दिखाई देता है और आप जैसे ही इस मंदिर के प्रवेश द्वार पे जाते हैं तो आपको भगवान हनुमान जी के दर्शन मिलते हैं। मुख्य मंदिर के अंदर पहुंचते ही आपको देवी देवताओं से सजा हुआ एक अलग ही भव्य रूप देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको अलग अलग रूप के दर्शन भी मिलते हैं। भक्तों द्वारा भगवान से मांगी हुई मुराद पूरी होने के बाद आपको हमेशा यहाँ पे लोग पूजा अर्चना करवाते हुए मिल जाएंगे। मुख्य मंदिर से पीछे की तरफ जाने के बाद आपको भंडार गृह और आगे जाने के बाद आपको प्राचीन मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। जैसे ही आप पीछे की तरफ बढ़ेंगे आपको कई सारे शिव के अलग अलग रूप के मंदिर देखने को मिल जाते हैं।
सावन के महीने में मंदिर के सामने आपको एक मेला भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों, आप लोग अगर शिव के भक्त हैं तो हर हर महादेव लिखना ना ही भूलें, और कौन कौन कामेश्वर धाम आ चुका है हमें कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपके यहाँ भी कोई ऐसा स्थान है जिसका वीडियो आप चाहते हैं कि हम बनाएं, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आएंगे और वहाँ का वीडियो बनाकर इस चैनल पर पूरी दुनिया को दिखाएंगे। जाते जाते यह कारो मंदिर कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको देखने को मिलती रहें।